दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अली चौर, आपका स्वागत है फ्लैश कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ HSNC के फॉर्म को कैसे आप अपने मोबाइल फोन पर भर सकते हैं, उस फॉर्म की पूरी डिटेल्स और उस फॉर्म को कैसे भरते हैं जानने के लिए बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर HSNC की वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल पर। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको मेन्यू दिख रहा होगा, मेन्यू में जाकर यहाँ पर आपको एडमिशंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है एडमिशन सर्कुलर और दूसरा ऑप्शन है एडमिशन प्रोसेस। मैं आपको पहले एडमिशन प्रोसेस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर प्रोसेस में हमें बताएगा कि कैसे कैसे हमें अपना फॉर्म फिल करना है यहाँ पर। तो चलिए, मैं यहाँ पर सीधा हम प्रोसेस पर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर एडमिशन सर्कुलर की ओर। तो ये देखिए, इसमें यहाँ पर आपको दो तीन पेज दिख रहे होंगे, उसमें जो सेकंड पेज पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको एक लिंक दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा साइन अप और रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी डिटेल्स डालकर इसे पूरा रजिस्टर कर लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पर, वो आपको OTP टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन मिल जाती है एक नया पासवर्ड बनाने की, आप अपना पासवर्ड बना लीजिए और फिर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर साइन इन का पेज आ गया, जो आपने पासवर्ड बनाया था और जो आपको ID मिली थी, आपको वो ID और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है और फिर आपको साइन इन कर लेना है। तो ये देखिए, साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपका एक ऐसा पेज खुल जाएगा, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देनी है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट। और पार्ट बी में यहाँ पर हमें दिख रहा है अप्लाई फॉर द प्रोग्राम कैंपस, और यहाँ पर सेवन्थ जो पार्ट बी में है वो है पेमेंट डिटेल्स। तो चलिए, हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर हमसे पूछेंगे आपका हमारा नाम, हमारा ईमेल, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा जेंडर, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा मैरिटल स्टेटस, हमारी मदर टंग यहाँ पर हमसे पूछेंगे, और आधार नंबर हमारा, नेशनैलिटी, रिलीजन, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारी प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा डोमिसाइल स्टेट। तो ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर आपको एक रेड कलर का स्टार नहीं दिख रहा होगा, वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, तो आप उसे फिल नहीं करेंगे तो वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमें दिख रहा होगा फैमिली एनुअल इनकम, सिंधी माइनॉरिटी, स्पेशली एबल्ड, ये सारे फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर हमारा पर्सनल डिटेल्स फिल हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स पर। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस, एरिया, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एंड तालुका और पिन कोड यहाँ पर आपका फिल कर देना है। और यहाँ पर देखिए, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का। अगर आपका वही सेम परमानेंट एड्रेस है तो देखिए, यहाँ पर आपको पिन कोड के नीचे एक टिक बॉक्स दिख रहा होगा कि कॉपी करस्पॉन्डेंट एड्रेस। यहाँ पर देखिए, अगर आपकी एड्रेस वही है तो वहाँ पर आप कॉपी करस्पॉन्डेंट एड्रेस पर क्लिक कर दीजिए, वो आपकी परमानेंट एड्रेस पे भी वहाँ से फेच कर लेगा और आप फिर उसे सबमिट कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर हमारा एड्रेस डिटेल्स भी हो गया। अब हम चलते हैं फ़ोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स की ओर। तो इसमें यहाँ पर आपको आपके जो फोटोग्राफर सिग्नेचर की यहाँ पर एक मैक्सिमम जो साइज़ है वो यहाँ पर आपको बता दें। यहाँ पर फोटो की जो फॉर्मेट मैक्स साइज़ है वो है 50KB और जो सिग्नेचर की है वो है 25KB। लेकिन आपको इसमें कोई चिंता लेने की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप अपना फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, यह आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो 50KB के साइज़ के अबोव है। तो आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं और अपने फ़ोटो की साइज़ को 50KB बना सकते हैं। उसके बाद जो सेम केस वो है सिग्नेचर में भी, और सिग्नेचर ऐड करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी यहाँ पर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं एडुकेशनल डिटेल्स पर। ये हमारी जो है ये 12th क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पर ये हमसे पूछेगा हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी स्ट्रीम, हमारी ग्रेड पॉइंट है, यहाँ पर परसेंटेज है। ये देखिए, यहाँ से और भी पूछेगा कि मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, मंथ ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, स्कूल, कॉलेज नेम, ऐसी सारी चीज़ें आपको अपनी मार्कशीट से देखकर यहाँ पर फिल कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा 12th का क्वालिफिकेशन एडुकेशन डिटेल्स हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर भी हमसे हमारी क्वालिफिकेशन, सीट नंबर, ग्रेड पॉइंट है, यहाँ पर परसेंटेज है, मार्क्स ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क्स,
सेम आप अपनी टेंथ की मार्कशीट को देखकर यहाँ इसमें कॉपी कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एडुकेशन डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट की ओर, तो ये देखिए यहाँ पर आपको अपनी टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। एक यहाँ पर आपको अपनी जो फोटो है मार्कशीट का, वो आपको यहाँ पर PDF में अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गूगल पर चले जाना है। गूगल पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है कन्वर्ट JPG टू। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट खुल गई है। यहाँ से आप अपनी JPG फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे ही आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कन्वर्ट टू PDF। जैसे आप उसे फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे अपनी JPG को, वहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू PDF पर, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर से आपको वो एक डाउनलोड का भी ऑप्शन दे देगा। JPG फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपने फॉर्म में उसे अटैच कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं उस PDF को यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। तो ये देखिए यहाँ पर अप्लाई फॉर द प्रोग्राम एंड कॉलेज में यहाँ पर हमें पहले पहले क्वेश्चन पूछ रहा है एडमिशन कैटेगरी। मैं यहाँ पर सिंधी सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है नाउ स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर येस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे नीचे यहाँ पर हमें और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि प्रोग्राम, हमें क्या प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं BCOM सेलेक्ट करके और यहाँ पर KC कॉलेज सेलेक्ट करके इसे ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा प्रोग्राम अप्लाई हो चुका है और अब जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है वो है पेमेंट डिटेल्स। हम पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स दिखा रहा होगा और यहाँ पर अमाउंट टू बी पेड जो कि 100 रुपीज़, ये भी आपको दिखा रहा होगा। आप यहाँ पर आई 35 पर टिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू प्ले ऑनलाइन पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था KC कॉलेज, यहाँ पर हमको ऑप्शन दिख रहे होंगे 3, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जैसे भी आपको पे करना है आप यहाँ पर पे कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको एक पेमेंट रिसिप्ट आएगी, आप उस रिसिप्ट का एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रोफाइल स्टेटस 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे आपको यहाँ पर ब्लू में हाईलाइटेड कुछ दिख रहा होगा डिग्री बैचलर ऑफ कॉमर्स। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको आपने जो यहाँ पर फॉर्म भरा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर उसमें फिल की है वो यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप HSNC का फॉर्म अपने मोबाइल पर भर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।